गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 2, यूनिट नंबर 18, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो लास्ट में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 है वो कंप्लीट कर दिया था। नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे फॉर्म करने हैं, कैसे बनाने हैं वो हमने लास्ट में देखा था कि कंटिन्यूस टेंस हो उसमें हमें क्या करना है, दो वर्ब हो उसके बीच में हमें नॉट ऐड करके नेगेटिव बनाना था। आज हम जो नेगेटिव बनाने हैं वो अलग सेंटेंस है, वो भी हम सीखेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको है, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ वो आपको कंपेयर करने हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस मैं लिखूंगी जो आपको रीड करने हैं और कंपेयर भी करने हैं और समझना भी है कि ये सेंटेंस है वो नेगेटिव कैसे बनते हैं। ओके, सो कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे है ही हैज अ पेन, अ पेन यानी ओनली वन पेन। तो उसके पास एक पेन है, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ही हैज नो पेन कैसे बनाएंगे हम, ही हैज नो पेन। यहाँ पे हम नोट यूज नहीं करेंगे, नो यूज करेंगे। एक पेन हो तो हम उसको अ पेन बोलेंगे, यानी एक पेन है, अ यानी एक है ना, लेकिन एक भी पेन नहीं है, नो पेन। तो हम क्या करेंगे, ही हैज नो पेन। तो यहाँ पे हम आर्टिकल जो ए है इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, उसकी जगह पे हम नो ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, नो। ओके, एक पेन थी तो हम अ पेन बोल सकते हैं, लेकिन एक भी पेन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नो पेन, है ना। कोई आपको पूछे कि क्या आपके पास पेंसिल है, तो आपके पास नहीं होगी तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव नो पेंसिल, है ना। सो आपको क्या करना है, इसमें नोट की जगह पे सिर्फ नो ऐड करना है, वो भी आर्टिकल निकाल के। आर्टिकल ए एन हो तो उसको निकाल लेना है, उसके बदले हमें एन और नो ऐड कर देना है। दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं, आई हैव सम वर्क टू डू। ओके, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, तो इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें हैज था, तो हैज के बाद में हमने नो लिखा है, तो हैव या हैज के तुरंत बाद आपको नो या नॉट ऐड करना है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई हैव सम वर्क। यहाँ पे सम है, आर्टिकल नहीं है, क्या है, सम वर्क है, मेरे पास थोड़ा वर्क है। लेकिन थोड़ा भी ना हो तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास वर्क नहीं है, है ना। तो यहाँ
नो वॉच. दे हैव नो वॉच. ए था उसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, उसकी जगह पे नो ऐड कर दिया. यहाँ पे हमने सम की जगह पे नो ऐड किया, यहाँ पे हमने ए की जगह पे नो ऐड किया, ए को निकाल दिया. ओके उसके बाद है नंबर फोर पे, यहाँ पे लिख देते हैं सी हैज अ सर्वेंट. ओके सी हैज अ सर्वेंट, उसके पास एक सर्वेंट है. तो उसका नेगेटिव क्या होगा, उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं है. उसको भी हम क्या करेंगे, सी हैज के बाद नो ऐड करेंगे. Now we will do the exercise number 3. Turn the sentences into negative. Okay? अभी हमने जैसे टर्न किए वैसे ही आपको करना है. आई हैव अ पेंसिल इन माई पॉकेट. आई हैव अ पेंसिल इन माई पॉकेट. ओके तो यहाँ पे क्या है, हैव है, हैव या हैज हो तो हमें क्या यूज करना है, नॉट की जगह पे सिर्फ नो लिखना है. ओके तो आई हैव नो है, आई हैव है तो आई हैव नो क्या कर देना है, आई हैव नो पेंसिल. और है उसको निकाल देना है, आई हैव नो पेंसिल इन माय पॉकेट. आई हैव नो पेंसिल इन माय पॉकेट. सेकेंड जो सेंटेंस है वो है सी हैज अ रिंग ऑन हर लेफ्ट फिंगर. सी हैज अ रिंग ऑन हर लेफ्ट फिंगर.
नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव अ हॉलीडे टूडे। सो यहाँ पे हैव है तो उसका नेगेटिव करना है, तो क्या कर देंगे, हैव नो। आंसर क्या आएगा, दे हैव नो अ हॉलीडे का क्या हो जाएगा, नो हॉलीडे। दे हैव नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं।
The queen had some blue diamonds. तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे. The queen had some की जगह पे क्या लिख देंगे? No blue diamonds. Next number 8 पे है. She has a watch in her pocket. तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? She has no watch in her pocket. She has no watch in her pocket. We have a camera at home. इसका नेगेटिव क्या होगा? We have a camera के जगह पे no camera. और लास्ट एंड नंबर 10 पे है. अशोक हैज अ पिक्चर बुक. अशोक हैज अ पिक्चर बुक का नेगेटिव क्या होगा? अशोक has no picture book. Okay? तो यहाँ पे एक्सरसाइज के टोटल 10 सेंटेंसेस थे जो आप अपनी बुक में लिख लो और लर्न करो कैसे करना है नेगेटिव. सो राइट इट इन योर नोटबुक. अब हमने अभी तक के जो नेगेटिव देखे उसमें सब एम इज आर अगर एम इज आर हो तो हम क्या करेंगे? आई एम एम नॉट कर देना है. इज है तो इज नॉट करना है. आर है तो आर नॉट कर लेते है ना. फिर विल हो तो will not, have हो तो have no, has no, और फिर हम देखे तो was हो तो was भी not आता है. where हो तो where not आएगा. okay? तो ऐसे अगर helping verbs है am, is, are, will, say, have, has, was, तो उसके साथ हम डायरेक्टली उसमें हम नॉट ऐड कर देते हैं. उसके बाद जो भी मेन वर्ब होता है वो आता है. जैसे कि सी इज सिंगिंग और सॉन्ग. ओके, तो इसका हम नेगेटिव कैसे करेंगे? इसमें इज है तो इसका क्या कर देना है नेगेटिव में? इज नॉट कर देना है. सिंपल इसके सिर्फ नॉट ऐड करके नेगेटिव कर देते. इज नॉट सिंगिंग. ओके, अब आपके ऐसा हो कि सी सिंग्स अ सॉन्ग.
ओके तो ये तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कौन से वर्ब आते हैं? तो यहाँ पे अगर सीन्स है तो हमें अगर एस वाला है तो हमें डज नॉट ऐड करना है, ओके। अगर एस वाला वर्ब एस या ईएस वाला वर्ब हो तो हम नेगेटिव बनाएंगे, तब हम क्या ऐड करेंगे? डज नॉट प्लस वर्ब। अब ये जो वर्ब लिखेंगे इसमें जो एस एड हुआ था उसका हमने क्या कर दिया? आगे एस का डज कर दिया, इसके पीछे हम सिर्फ सीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओनली सीन। सीन्स था तो सीन्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ सीन ही लिखेंगे, क्योंकि एस है उसकी जगह पे हमने आगे डज लिख दिया। सो डज के साथ क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा सिंस एस वाला और नहीं आएगा। अब हम बिना एस वाला देखें, यानी कि आई है, यू है, वी है, देयर है, उन सभी के साथ हम मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? देयर, सिंग और सॉन्ग। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंग है, उसमें एम इज आर नहीं है, हैव हैज नहीं है, है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो अगर मेन वर्ब हो, है ना, वर्ब का बेस वर्ब हो, उसमें कुछ भी ऐड ना किया हो, उसका पास्ट फॉर्म भी हमने ना किया हो, तो हमें क्या करना है? तो हमें डू नॉट ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे हम? डू नॉट। और अगर एस ईएस वाला वर्ब है तो हम डज नॉट ऐड करेंगे, ओके। दे डू नॉट, सिंग का सिंग ही रहेगा और सॉन्ग। तो हमने यहाँ पे दे के बाद में क्या ऐड कर दिया? डू नॉट ऐड कर दिया। और फिर जो है सिंगर सॉन्ग वो तो ऐसे ही लिखना है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कहाँ पे होगा? जब एस या ईएस वाला वर्ब होगा तब हम जरूर चेंजेस करेंगे, ओके। Thank you for watching and writing in me.